पंजाब पर किसका राज? डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ दरख्वास्त पर आज फिर समाअत। कल की समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मरान इत्तेहाद की फुल कोर्ट बनाने की तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद। फुल कोर्ट तश्कील ना देने के तफसीली वजूहात बाद में जारी की जाएंगी। फैसला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने खुद पढ़कर सुनाया। कहा, कानूनी सवाल है कि अरकान असेंबली को हिदायत पार्टी सरबरा दे सकता है या नहीं। इस केस के हवाले से इस बेंच के सामने पेश नहीं होंगे और मुकदमे का बायकॉट करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद का फुल कोर्ट ना बनाने का अदालती फैसला मुस्तरद। अदालती कार्रवाई के बायकॉट का ऐलान। हुक्मरान इत्तेहाद का फुल कोर्ट के मुतालबे से पीछे ना हटने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। दोनों रहनुमाओं का कौमी असेंबली को तहलील ना करने पर भी इत्तेफाक। जब फैसले आइन कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां सामने आ जाती हैं। लोग जान जाते हैं कि फैसला आइन और कानून नहीं, जाति पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया है। ये कोई सियासी फोरम नहीं है जिसका आपने बायकॉट किया है। इस तरह से नहीं होता। आप चीफ जस्टिस को डिक्टेट नहीं कर सकते। मैंने कल भी ये कहा था, फुल बेंच बनाना, लार्जर बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। कतई तौर के ऊपर कोई उन्हें ब्लैकमेल करके ये बेंचेस इस तरह से नहीं बना सकता। कल नई इस्तलाह सुनी कि सुप्रीम कोर्ट का बायकॉट करते हैं। पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल नहीं कर रही। फवाद चौधरी की तनकीद। कहा, जब आप अवाम के फैसले को कबूल नहीं करते तो बहरान आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सियासत का बोझ ना डालें। सियासी मसाइल सियासतदानों को हल करने चाहिए, लेकिन सियासतदान तो आपस में बैठ के बात भी नहीं करने को तैयार। तो सियासी मसाइल फिर कैसे हल होंगे? फिर उसके बाद जब आप आपस में बात नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई जरिया चाहिए। सियासतदान आपस में बैठने को तैयार ही नहीं तो किसी और से राबता करना पड़ता है। जब खुद बात ना करें और किसी और रास्ते को तलाश करेंगे। असद उमर कहते हैं, मुल्क के किसी कोने में जाकर पूछें पाकिस्तान के तर्ज सियासत पर किसी को एतबार है। पाकिस्तान में अगर जमहूरियत को आगे लेकर जाना है तो गैर सियासी मुदाखलत का रास्ता रोकना होगा। जस्टिस काजी फायज ईसा का जुडिशल कमीशन इजलास पर तहफ्फुज़ात का इजहार। चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। मौकिफ अख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती से पहले मिल बैठकर तय करना होगा आगे कैसे बढ़ना है। चीफ जस्टिस की तरफ से जजेस की तैनाती के मामले पर जल्दबाजी सवालिया निशान है। एमकेएम की सिंध में बल्दियाती इंतखाबात रोकने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल ने दो हफ्तों का वक्त मांग लिया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 4 अगस्त तक सिंध हुकूमत को जवाब जमा कराने का हुक्म। मुल्क भर में कोरोना से मजीद एक शख्स का इंतकाल। 184 मरीजों की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 371 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 2.76% रही। भारत ने इत्तला दिए बगैर दरियाए चनाब में इजाफी पानी छोड़ दिया। हेड कादिराबाद के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 1,51,000 और अखराज 1,32,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। कच्चे के इलाके को खतरात लाहक।